कहने का तात्पर्य यह है कि वो नल हम देखते थे धीरे धीरे लाल होने लगता है लोहे का, फिर उसके बाद जंग लगती है और गिर जाता है। तो जो लोहे को गिराते हैं वो आदमी की आंखों का क्या हल करेगा, इसलिए मैं ऐसे इसको डिस्क्राइब करता हूँ। नंबर दो बात, आगरा में, मथुरा में, भरतपुर में, धौलपुर में मैं अक्सर एक बात देखता हूँ, यहाँ पर मीठे जल से कार धोई जाती है। ये भी एक क्वालिटी है, आगरा में अगर आप ये अंडरग्राउंड वाटर से धोएंगे तो 4-5 साल में उसकी बॉडी चली जाएगी। तो वो लिखते हैं कौन वॉश करने वाले कि आप मीठे जल से, अब सोच लीजिएगा कार तो मीठे जल से धोई जाती थी लेकिन मोदी जी से पहले वही खारा पाना पानी से आते धोई जाती थी, माने पिया जाता था। तो नल के द्वारा जब ट्रीटेड वाटर करेंगे ना आप, और ग्राउंड वाटर जो जाएगा ओवरहेड टैंक में जाएगा, देन आप एलम के साथ ट्रीटेड वाटर पिलाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो बजट खर्च हो रहा है अभी ज्यादा हो रहा है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर